नहीं खुल रही, बट अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हाथी भी है हमारे स्वागत के लिए, सो लेट्स गो। सो हम अभी आ गए हैं, टेबल क्लीन करवाते हैं, फिर मेन्यू मिलेगा, फिर खाना ऑर्डर करेंगे। तो ये मेरा डोसा है, सेजवान चीज़ डोसा, इसको खाते हैं। मैं यूटेंसिल्स या कुछ मिले नहीं है, वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ, हाथ से ही खाऊंगी, सो इसे खाते हैं। फिर आ गया था पापा का डोसा, ये था आई थिंक रवा अनियन मसाला डोसा, एंड देन वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सांबर चटनी के साथ मेंदू वड़ा एंड इडली। दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट ट्राइड, सो इसको ट्राई करके मैं बताती हूँ कैसा है। एंड दिस इज माई डोसा, दिस इज पापा डोसा, खत्म हो गया। एंड दिस इज, तो ब्रेकफास्ट हो गया है, नाउ वी आर गोइंग बैक टू आर कार, और हमको अभी यहाँ से 45। सो हमने खाया सेजवान चीज़ डोसा, उसको मैं दूंगी 8/10 बिकॉज उसका चीज़ मेल्टेड नहीं था, बस ऊपर से रख दिया था एनीवेज, बट वैसे बहुत अच्छा था। फिर पापा का जो डोसा आया था दैट वाज ओकेश, सो या 5/10। और मम्मा का जो डोसा आया था इट वाज वेरी यूनिक, उसमें मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, है ना मम्मा, मुझे थोड़ा कम लगा, सो 7 या 8/10। और क्या खाया था हमने, इडली और मेंदू वड़ा, हाउ वाज इट, आप कितनी रेटिंग दोगे? आई दे दो ना रेटिंग 8, इडली और मेंदू वड़ा को 8/10। सो यार दैट वाज आवर ब्रेकफास्ट, अभी हमें लगेंगे 40-45 मिनट्स, देन विल रीच आवर डेस्टिनेशन, और या लेट्स गो। तो बस अभी जल्दी से हम पहुंचने वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, और यू नो रास्ते में इतनी ग्रीनरी देख के मैं एकदम खुश हो गई थी, एंड दिस इज द एंट्रेंस, देखो कितने, दिस इज जस्ट सो ह्यूज, है ना। अभी हम आ गए हैं ह्यूज रिवर गेट पे, एंड दिस इज सो कूल, मतलब आते ही देयर वाज सच अ लॉन्ग एंट्रेंस सराउंडेड बाय नेचर, इन इट इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। देखो यहाँ पे पार्क भी है और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, आई एम सो हैप्पी आई बॉट माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम। फायर रूम में चेक इन करते हैं, फिर इस होटल को हम एक्सप्लोर करेंगे, सो लेट्स गो, अभी रिसेप्शन पे चलते हैं। दिस इज द रिसेप्शन, हम आए हैं करजत में, लेट्स गो। सो यहाँ पे आते ही आई कैन सी हॉर्सेस एंड वो भी है पक पक पक, यहाँ पे दो हॉर्सेज है और बैठना हॉर्स मेरे को मुर्गे के बच्चे देखे, हाँ देखे है ही वो रहे ना बड़े, अच्छा ये देखो छोटू छोटू है, ओए छोटू बेबी भी है, नहीं इतने छोटू नहीं है पर उधर छोटे छोटे, छोटू बेबी छुप गए मत करो, डर रहे ना छोटू बेबी, यहाँ पे कितने सारे पेड़ है ना, देखा बहुत सारे। तो अभी हम आ गए हैं रिसेप्शन पे चेक इन करने, मम्मी पापा आर डूइंग दैट टिल द टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज काइंड ऑफ अ लाउंज एरिया, देन दे आस्क्ड मी टू चूज अ सोप एंड आई वाज सो कंफ्यूज, आई डिडंट नो विच वन टू चूज, तो उन्होंने बोला सारे भिजवा देंगे। अभी हमारा चेक इन हो गया है एंड वी गॉट टू नो द लंच डिनर एवरीथिंग, हर चीज़ की टाइमिंग हमें पता चल गई, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हियर, मतलब यू कैन इवन प्ले क्रिकेट बैडमिंटन, दे हैव अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स ऑल्सो एंड अ ह्यूज स्विमिंग पूल, सो यार वहाँ पे तो हम ज़रूर जाने वाले हैं, सो अभी रूम में चलते हैं। सो दिस इज़ माई पापा, अभी हम हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं विद बगी, सो लेट्स गो। आई हैव चेक्ड इन टू आवर रूम, बड़ा प्यारा सा रूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, देन देयर इज आवर, लेट मी शो यू, हमारा पूरा
यू नो बालकनी टाइप्स है एंड यहाँ पे रिवर व्यू है. सी यहाँ से मतलब ये देखिए रिवर है पूरी. हम वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ी देर बाद. क्या आप लोगों को वो स्क्विरल दिख रही है? हमें यहाँ से इतने पास दिख रही थी ना, पास जाने की कोशिश करी. बड़ी प्यारी अभी 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 वो अपने पैरों पर खड़े होकर खाना खा रही थी. मुझे किसी गहरी को टच करना है, सॉफ्ट होती होगी ना. तो वो ये लोकेशन देख कर तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं पर फॉरन में आ गई हूँ, इटली या कहीं पर. सो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और फिर हम लंच भी करेंगे. सो अब हमारी एक्टिविटी हो गई है झूले पे झूलने की. पर अभी हमें बहुत भूख लग रही है तो फटाफट से खाना खाने चलते हैं. भूख लग रही है, हमको लग रही थी भूख तो फटाफट हम आ गए लंच करने. तो मैंने स्प्राइट पी थी. मैं पी थी तो नहीं हूँ वैसे कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक दो सिप पिया था फिर मम्मी पापा को दे दिया. देन आई ऑर्डर्ड दिस वाइट सॉस पास्ता विच वाज सो डिलिशियस. इसका गार्लिक ब्रेड वाज आल्सो वेरी नाइस एंड वी हैड सम मोर थिंग्स लाइक पनीर टिक्का एंड 2-3 मोर आइटम्स. दिस इज द पूल. अभी हमारा लंच हो गया है, हमने भर पेट खाना खाया और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर रूम. ये देखिए. सो लेट्स गो. द वॉटर वॉज सो कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही थी बहुत. वॉटरफॉल मस्ती मजे कर रहे हैं और बॉल के साथ खेल रहे हैं. अभी थोड़ी और मस्ती करते हैं फिर हम देखते हैं टाइम बचेगा किसी एडवेंचर के लिए, नहीं तो हम वो कल करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो ऑल्सो. Honestly, it felt like a pool party because वहाँ पे गाने भी बज रहे थे और मैं और भैया बॉल के साथ खेल रहे थे. बहुत मज़ा आ रहा था. मैं एक भी बार बॉल पकड़ नहीं पाई पर कोई बात नहीं, खेलने में बहुत मज़ा आया. फिर मैंने और भैया ने बैडमिंटन खेला था बहुत देर, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया. फिर मैंने पापा के साथ भी बैडमिंटन खेला और फिर हम थोड़े बोर हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इंडोर पोर्ट गेम्स भी खेले. तो हमने यू नो वहाँ पे जो भी गेम्स थे सारे थोड़े थोड़े खेल लिए. हमने कैरम भी खेला, मतलब पूरा तो नहीं खेला बट अच्छे से खेल लिया. सो गाइस बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, हमने डिनर कर लिया है, सोने का टाइम हो रहा है अभी. सो सोते हैं. मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो कितना क्यूट बेड है. सोफे का ही बेड बन जाता है ये, मुझे बड़ा प्यारा लगा. सो यार अभी हम इसके लिए चादर वादर मंगाएंगे और फिर हम सो जाएंगे. और आज मुझे बहुत मज़ा आया, हमने ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं करी बट इन्जॉय डेफिनेटली बहुत किया. बट कल हम ट्राई करेंगे मोस्टली सारी एक्टिविटीज़ करने का. सो हाँ हाँ पहनती हूँ. सो टुमारो इज गोना बी एडवेंचरस डे, राइट? हॉर्स राइडिंग भी करेंगे हम. तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रात को लेट भी हो रहा है तो मैं कल कमेंट पढ़ लूँगी, डबल कमेंट्स. ओके सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज ब्लॉग. आई होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. लव यू ऑल, बाई.